गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। क्यों लो घुमा। आज है 16 दिसंबर और आज मैं जा रही हूँ अपना कोरोना वैक्सीन का फर्स्ट डोज लेने। मैंने वैक्सीन लिया नहीं था बिकॉज आई वॉज प्रेगनेंट एंड मैं श्योर नहीं थी, इसलिए मैंने वैक्सीन को थोड़ा सा डिले कर दिया था। अभी डॉक्टर से मैंने पूछा है, डॉक्टर सेड कि आप वैक्सीन ले सकती हो, तो अभी मैं जा रही हूँ वैक्सीन लेने। पता नहीं, मतलब शायद बुखार हो या बुखार आ जाए या पता नहीं क्या होगा। सो मैं फटाफट से ब्रश करूँगी, अपनी दवाई लूँगी, चाय पीऊँगी एंड देन आई विल हेड टूवर्ड्स द वैक्सीनेशन सेंटर जो कि हमारे घर के काफ़ी नज़दीक है। सुबह से कोशिश कर रही हूँ वैक्सीन लेने की, पर अजीब अजीब चीज़ें हो रही है। सुबह हम गए वैक्सीनेशन वाले सेंटर में, वहाँ पे उन्होंने हमसे कहा कि 11 बजे से वैक्सीनेशन स्टार्ट होगा। फेयर इनफ। वहाँ पे तो फिर हम वैक्सीनेशन सेंटर से घर वापस आ गए। फिर हम वापस गए तो हमें पता चला एवरीडे वैक्सीन होता है, सिर्फ आज ही नहीं हो रहा है। सोचो आप, ट्रेजेडी। तो अभी जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अभी तक एक भी डोज क्यों नहीं लिया। तो मैंने बोला उनको कि आई वाज प्रेग्नेंट, अभी अभी मेरी डिलीवरी हुई है। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा, आप काम कीजिए, हमारा मोबाइल वैन है, इधर उधर जा जाकर जो लोग नहीं आ पा रहे वैक्सीन देने के लिए उनको हम वैक्सीनेटेड कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर जगह का उन्होंने बताया जो मेरे घर से पास ही था कि वहाँ पर चले जाइए, वहाँ पर वैक्सीन आपको दे दिया जाएगा। तो अभी वही जो एम्प्लॉयज़ है, क्योंकि मैं सरकारी जगह से ही ले रही हूँ, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बोला, जो उनकी टीम है उन्होंने बोला कि आप वेट कीजिए। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, वो लोग आएंगे और वैक्सीन देंगे मुझे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे क्या होगा। शुभोदित मुझे लेकर आया है, हम दोनों अभी वेट कर रहे हैं उनकी टीम का, वो आएंगे तो फिर पता चलेगा। गाइस, आज क्योंकि मैंने वैक्सीन लिया है तो उसके प्राइस के स्वरूप मुझे पिज्जा खिला रहे हैं शुभ रूप। ऐसा है, डू यू वांट टू शेयर योर इंजेक्शन स्टोरी कि बिना चॉकलेट के तुम इंजेक्शन नहीं लगवाते थे। और शुभोदी, बचपन में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बच्चा था, इसलिए ऑलमोस्ट हर महीने उसको टिटनस लगते थे, ऐसा उसने मुझे बोला है। बताना चाहेंगे? वीडियो चलचे? वन मोर वी हैव टू, क्योंकि एक से हमारा मन नहीं भरता। मम्मी है, मम्मी भी हमारे साथ खा रही है टीवी देखते देखते, इसलिए दो पीसेस मंगवाए। दोपहर को मैंने ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। वैक्सीन लेके घर आने के बाद मैंने एक गैस्ट्रिक की दवाई ली और फिर एक बुखार की दवाई ली। तो एज ऑफ नाउ अभी बज रहे शाम के 7, अभी तक मैं ठीक ठाक ही हूँ, मज़े से पिज़्ज़ा खा रही हूँ। अब रात को अगर बुखार आता है, हालांकि दवाई ले ली है मैंने, तो अब कुछ नहीं कर सकते। अभी तो कोई पेन वगैरह नहीं है, इस हैंड पर लिया है। बाद में शायद कल रात को या कल पता चलेगा। पेन কখন হয়? রাতের বেলা থেকে হয় নাকি পরের দিন হয়? गाइस, टाइम हो चुका है रात के 9, मतलब 9 बज चुके हैं। अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम, कुछ भी इशू, ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। दर्द वगैरह, बुखार वाले सेंसेशंस कुछ भी नहीं है। स्किन थोड़ी सी ड्राई लग रही है तो मैं मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ। विंटर जो है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से पड़ चुकी है, काफ़ी ठंड है, टेम्परेचर भी काफ़ी लो है, तो स्किन जो है वो बार बार ड्राई हो जाती है। मैं कितना भी हैवी मॉइस्चराइज़र यूज़ करूँ
3 to 4 hours में मुझे रीअप्लाई करना पड़ता है। एंड मैं आपको एक एक्साइटिंग सी चीज़ दिखाती हूँ, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस चीज़ का। तो अब मुझे एक ब्रांड के तरफ से कुछ प्रोडक्ट्स ऑफर हुए थे और मुझे उनका रिव्यू करना था। तो गब नाम का एक ब्रांड है जिसका मैं आईलैश कर्लर यूज़ करती हूँ, आप लोगों को शायद याद हो। तो उनकी तरफ से मुझे इस तरह के हेयर रोलर्स आए। मैं इस हेयर रोलर के बारे में आप लोगों के साथ एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि सम ऑफ माई सब्सक्राइबर्स वॉन्टेड मी टू ट्राई हेयर रोलर्स। और मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो सर्कल है ना, मतलब जो इसका साइज़ है वो बहुत अच्छा रहेगा। इस वक्त जो मेरा हेयर है ना वो, क्योंकि बहुत छोटा है, तो अगर मैं आउट कर्ल्स टाइप का कुछ बनाना चाहूँ, क्योंकि देखिए मेरे पास कर्लिंग मशीन तो है लेकिन उसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है मुझे, तो मुझे इस साइज़ का मैंने सोचा था कि मैं एक टोंक मशीन, कर्लिंग मशीन खरीदूँ। लेकिन अगर ये साइज़ मुझे परफेक्ट आ गया, और मेरे पास काफ़ी है, एक एक पैकेट में 6 होते हैं, मैं नीचे लिंक डाल दूँगी, 6 पीसेज होते हैं, तो मेरे पास 12 है, तो आई थिंक मुझे इनफ हो जाएंगे अगर मैं आउट कर्ल बनाना चाहूँ। एक्चुअली मैं इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाऊँगी, कर्ल करके आपको दिखाऊँगी, सब कुछ बताऊँगी डिटेल में, तो उसके लिए आप देखो, आ जाएगा वो वीडियो। अभी तो कुछ वीडियोस लाइव पाइपलाइन में है ऑलरेडी, उसके बाद बहुत जल्द वो वीडियो डाल दूँगी, इसी महीने में डाल दूँगी। तो अगर आपको लगे कि सही है तो आप खुद भी परचेस कर सकती हो। मुझे ऑनेस्टली ये हेयर रोलर्स की जो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी लग रही है। सो नाउ एंड रात हो चुकी है, आई एम सपोज टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज़। उससे पहले मैं अभी बैठ के कल का जो वीडियो है उसे एडिट करूँगी। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर मैं कल डालूँगी वीडियो या परसों डालूँगी। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है इसे कब डालूंगी, शायद इससे पहले मैं एक और भी वीडियो डाल सकती हूँ, आई एम नॉट श्योर। आरण्यक जो सीरीज़ नहीं आई है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज रवीना टंडन बहुत टाइम बाद मुझे लग रहा है कि कुछ एक्साइटिंग से प्रोजेक्ट के साथ वापस आई है। और पौरुम ब्रुत जो एक बहुत ही फेमस बंगाली एक्टर है वो भी इस सीरीज़ में, और शुभदीप कह रहे थे कि बहुत अमेजिंग सीरीज़ है, तो मुझे वो सीरीज़ देखनी है। तो आई विश कि मैं आज रात को शुरू कर सकूँ। वैसे भी श्रीशा मेरी बेटी वो जागती रहती है, उठती रहती है, तो 1 बजे से पहले मैं जनरली सोती नहीं हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी 11 बजे तक मेरी रेटिंग खत्म हो जाएगी, खाना वाना खा के मैं 1-2 एपिसोड देख लूँगी। मैं सुबह मिलती हूँ आपसे और बताती हूँ कि कुछ मुझे फील हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, बाय द वे मैं आपको बता दूँ, मैंने कोविशील्ड लिया है। सुबह मैं बताऊँगी आप लोगों को कि मुझे बुखार आया या नहीं आया, हाउ आई एम फीलिंग। अब रात में कुछ एक्साइटिंग सा होगा नहीं, तो सुबह ही मिलती हूँ आप लोगों से। हाय गाइस, अभी टाइम हो रहा है 1:15 एंड मैं बेबी को फीड करा रही हूँ। मैंने दोपहर को एक बुखार की दवाई ले ली थी, इसलिए मुझे कोई पेन वगैरह या ऐसा कुछ तो नहीं है, बट मुझे पिछले ऑलमोस्ट मोर देन 1 घंटे से बहुत ठंड लग रही है। मैंने बहुत बहुत हैवी कुछ ओढ़ा हुआ है, उसके बावजूद मुझे ठंड लग रही है। पता नहीं, ये आई एम श्योर ये वैक्सीन की वजह से ही हो रहा है, वरना जो कुछ मैं ओढ़ती हूँ वो बहुत हैवी है, ठंड लगने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बट आई थिंक वैक्सीन की वजह से मुझे बहुत ठंड लग रही है, जो भी रीज़न है आई डोंट नो। बेबी रोने लगी तो उसको मैं फीड करा रही हूँ, उसके बाद आई विल ट्राई टू स्लीप एंड फिर सुबह बताती हूँ आप लोगों को कि तबीयत का क्या अपडेट है। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 एंड टुडे इज़ 17 दिसंबर। मेरी बालों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई है, आई नीड अ ऑयल मसाज। शोर बहुत है क्योंकि मैं खिड़की के पास बैठी हुई हूँ। सो कल रात को मैंने आपको बताया था कि मैं ठीक ठाक ही फील कर रही थी, लेकिन मिड नाइट से मेरी तबीयत ख़राब हो गई। मुझे फीवर आ गया, हाथ में काफ़ी पेन भी था, काफ़ी तो नहीं, थोड़ा बहुत पेन था और फीवर मुझे आ गया था। एंड अर्ली मॉर्निंग फिर मैंने दवाई ली और पैरासीटामोल लिया, एंड फिर उससे जो है मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर फील हो रही थी। काफ़ी पसीना आया और सूखा बुखार उतर गया।
उठने में काफ़ी लेट हो गया, इसलिए आज अभी नाश्ता ख़त्म किया है मैंने और फ्रेश हुई हूँ। आई वाज सपोज टू शूट वीडियोस, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे करूँगी क्योंकि काफ़ी लेट भी हो चुका है। और लेट्स सी, अभी तबीयत ठीक है, हल्का फुल्का बस सेंसेशन सा है, बाकी कुछ नहीं है। हाय गाइस, मैंने उस वक्त व्लॉग को बीच में ही पॉज कर दिया था। दोपहर को तबीयत थोड़ी सी ठीक, थोड़ी सी ऐसे एवरेज थी, तो मुझे वीडियो शूट करने बहुत ज़रूरी थे, तो मैंने शाम को वापस से कैटबॉल खाया एंड वीडियो शूट कर रही हूँ। अभी ठीक हूँ, शाम के ऑलमोस्ट, रात के ऑलमोस्ट 9 के आसपास बज रहे हैं। आई थिंक मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करूँगी, मुझे बस अपनी वैक्सीनेशन की जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं, एम श्योर आप सब ले ही चुके होंगे। आई एम द लास्ट पर्सन, आई थिंक वन ऑफ दोज लास्ट पर्सन जिन्होंने इतना लेट वैक्सीन लिया। बट हाँ, अभी ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ एंड आई होप कल तक मैं बेहतर हो जाऊँगी। इस हाथ में लिया है तो हल्का फुल्का दर्द है, बट नॉट दैट मच। आई एम 95% ओके, थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर लग रहा है। अभी तो मैंने दवाई ली है तो दवाई के असर से थोड़ा बेहतर फील कर रही हूँ। और या आई थिंक रात अच्छे से गुजर जाएगी, रात को अच्छी सी नींद हो जाएगी, अच्छी सी नींद मिल जाएगी तो बेहतर फील करूँगी। बट बेबी की वजह से नींद जो है वो टूटती आती जाती रहती है, ऐसा होता है। तो चलिए मैं फटाफट से अपना काम खत्म कर लेती हूँ, अभी भी 2 वीडियोज़ मुझे शूट करने हैं। हाय गाइस, रात के बज रहे हैं 12 एंड ये मेरे ऊपर सो रही थी। वीडियोस वगैरह शूट किया मैंने, फ्रेश हुई, डिनर किया, अभी बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। नींद बहुत आ रही है क्योंकि मैंने शाम को एक कैटबॉल लिया था, उसकी वजह से नींद बहुत आ रही है। वीडियो को यही ख़त्म कर रही हूँ। आज कौन सा डेट था, आज 17 था, मैंने 16 को वैक्सीन लिया, आज 17 है। अभी ये वीडियो मैं जो है अपलोड पर डाल दूँगी ताकि 18 को ये वीडियो लाइव हो जाए। एंड या आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर, आपसे जल्द मैं दूसरे ब्लॉग में मिलूंगी। बहुत एक्साइटिंग से ब्लॉग्स आ रहे हैं, आप लोगों का फीडबैक मुझे चाहिए। वीडियो अच्छे लग रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। आई एम गोना सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।